आरबीएल बैंक का स्टॉक आज बहुत ही चर्चे में है और वो भी क्यों ना। बैंक का शेयर प्राइस ओपन हुआ था 155.65 पे, जो कुछ ही मिनटों में घट के 147 हो गया, जो कि एक 15% की गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे तीन मुख्य कारण है। सबसे पहला, बैंक के सीईओ विश्ववीर अहूजा को इमीडिएट इफेक्ट से छुट्टी पे भेज दिया गया है। दूसरा, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव अहूजा को इंटरिम तौर पे कंपनी का एमडी एंड सीईओ घोषित किया गया है। और तीसरा, शायद सबसे नर्व रैकिंग और यही कारण के वजह से बैंक के डिपॉजिटर्स हो या शेयर होल्डर्स हो, इन सबको थोड़ा सा डर लगा हुआ है, वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने चीफ जनरल मैनेजर योगेश के दलाल को आरबीएल बैंक के बोर्ड पे नियुक्त किया गया है 2 सालों के लिए, वो भी विद इमीडिएट इफेक्ट। अब क्या है ना, आमतौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा करती नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल ना सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बातें चल रही हैं, ऐसा कोई कंक्लूसिव रीजन नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों किया है। अब ऐसा इसलिए हो सकता है कि हमने देखा है कि येस बैंक की बात हो, डीएचएफएल की बात हो या पीएनसी बैंक की बात हो, तो इन सारी घटनाओं के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़े बैकफुट पे थे, तो इस टाइम दे आर बीइंग प्रोएक्टिव रादर देन बीइंग रिएक्टिव। तो वो अपने जो आरबीएल बैंक के डिपॉजिटर्स है, शायद उन्हें अश्योर करना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर कि बैंक में कोई गड़बड़ नहीं है और डिपॉजिटर्स डरे ना या निवेशक डरे ना। अब बैंक के जो नए सीईओ है राजीव अहूजा, उन्होंने कहा है कि बैंक के फाइनेंशियल्स एकदम सॉलिड है, कि बैंक 15,000 crores के कैश पे सिट कर रही है और फिलहाल वो अगले 8 से 12 महीनों में न्यू फंडिंग के लिए नहीं देख रहे हैं, तो बैंक उनके अनुसार बैंक के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है। अब मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो बताया था जहां पे मैंने आपको सिखाया था कि आपको बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो जरूर चेक कीजिए। हमने इस पे एक डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा हुआ है, आप वो आर्टिकल भी रेफर कर सकते हैं, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर मैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखूं, तो आरबीएल बैंक का जो नेट प्रॉफिट है ना, वो सितंबर 2020 में 144 क्रोस था, जो कि सितंबर 2021 में घट के सिर्फ 31 क्रोस रह गया है। अगर मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करूं, तो पिछले क्वार्टर में आरबीएल ने बहुत समय बाद एक लॉस पोस्ट किया है, वो है 459 करोड़ का। बैंक के अगर मैं एनपीएस की बात करूं, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनकी बात करूं, तो वो भी इंक्रीज हुआ है, वो पिछले साल में यानी कि सितंबर 2020 में 1911 क्रॉस था, जो कि सितंबर 2021 में बढ़ के 3130 करोड़ हो गया है। तो अगर मैं एनपीएस की बात करूं, तो बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है बैंक के एनपीएस पे, विच इज नॉट अ गुड साइन। अब अगर हम बैंक के जीएनपीए रेशियो पे बात करें, यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रेशियो पे बात करें, तो वो भी बड़ा है। तो सितंबर 2020 में इसका जीएनपीए रेशियो था 3.34%, जो कि अब सितंबर 2021 में बढ़ के 5.40% हो गया है। अब अगर आप इस बैंक का सैमको स्टॉक रेटिंग पे चेक करेंगे, तो इसे एक 2-स्टार रेटेड स्टॉक ही है और सैमको के अनुसार ये एक स्ट्रॉन्ग अवॉइड है। तो मैं आपसे कहूंगी कि ये जो टाइम्स है ना, ये बहुत ही स्पेक्यूलेटिव टाइम्स है, ये बहुत ही डायनामिक टाइम्स है, तो इट इज बेटर कि अगर आप एक कॉशियस इन्वेस्टर हो, अगर आप एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हो, तो आप इस स्टॉक को फिलहाल अवॉइड ही कीजिए। जस्ट सिट ऑन द साइडलाइंस एंड ऑब्जर्व, और फिर देखते हैं कि आरबीएल बैंक के साथ होता क्या है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए।